तो बच्चों आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एज यानी ए ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, यस डियर। ठीक है, आज हम ये फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि हमें आगे जाके पैकिंग इफिशियंसी निकालनी होगी। क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी, ये सब मैं आपको आगे ही बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक तो एज यानी ए, आपको पता है ना कोई भी क्यूब होता है उसकी एज ए होती है, सारी की सारी एज इक्वल होती है ना। तो एक तो एज ए के बीच में यूनिट सेल, एज ए ऑफ यूनिट सेल के बीच में निकालना है और रेडियस ऑफ एटम के बीच में निकालना है, जिसको हम स्मॉल आर भी बोलते हैं। यानी सिंपली आपको ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है सारी यूनिट सेल के लिए। मैं यहां पर बता देती हूँ, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ तीन टाइप की होती हैं, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे, प्रिमिटिव को सिंपल भी बोलते हैं, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे फेस सेंटर्ड के लिए, तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए। हम इन तीनों चीजों के लिए, हम इन तीनों चीजों के लिए किसके किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, ए और आर के बीच में, ए और आर के बीच में हम देखेंगे रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिंपल यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करना। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल के लिए, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। बात देखिए, ठीक है, पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, सिंपल सेल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सिंपल यूनिट सेल में कोई भी यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल कैसे बनेगी, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं आपको बता चुकी हूं कैसे बनेगी, बताती हूं मैं आपको। पहला, ऐसी यूनिट सेल जिसके सारे कॉर्नर्स पर एटम कहां पर हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे हो, कॉर्नर्स पर हो, कहां पे हो, कॉर्नर्स पर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल। बात पता है ये बात। और पूरे कॉर्नर्स कितने होते हैं, एट, कितने होते हैं, एट। चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं और रिलेशन हमें किसके बीच में निकालना है पता है ना, आर और आर एंड ए के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। आर क्या है, रेडियस, और ए क्या है, एज, लेंथ है। तो चलो बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हमने बना लिया बॉक्स। आपको पता है कि थोड़ा सा मैंने खुला खुला बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता है कि सिंपल यूनिट सेल कब होता है, जब इसके सारे कॉर्नर्स पर क्या हो, क्या हो, सारे कॉर्नर्स पर एटम्स हो। ठीक है, सारे कॉर्नर्स पर क्या हो, एटम्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखिए आपको पता है ये जो ये चीज है ना, ये तो सेंटर ऑफ एटम होता है, सेंटर ऑफ एटम लेते हैं, पता है ना, ये स्फीयर नहीं है, ये सेंटर ऑफ एटम है, ताकि हमें समझने में इजी हो। अगर मैं स्फीयर बिठाऊं तो कैसे बिठेगा, ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर। ठीक है, आप ये मानते चलना के थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये दूसरा स्फीयर। ठीक है, बात आई समझ में। तो
ये आप सेंटर मार के चलना, उसका डायग्राम में आपको ढंग से पता ना चलाओ, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे भी डायग्राम दिखा दूंगी, पता चल जाएगा भाई समझ में। तो देखो आपको पता है एज लेंथ क्या होती है, ये भी क्या है ए, ये भी क्या है ए, ये एज लेंथ है, ये क्या है एज लेंथ है, और इसके अंदर ये भी क्या होगी, ये पूरी की पूरी ए है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक स्फीयर की, सिर्फ स्फीयर को देखो, तो ये इसकी क्या होती है रेडियस, क्या होती है रेडियस, ऐसे ये इसकी क्या हुई रेडियस। यहां से डायरेक्टली अगर मैं पता लगाऊं आपको, अलग से मैं डायग्राम दिखाती हूँ, देखो डायग्राम है ये है, और ये इसकी रेडियस है, ये देखिए। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये दो सर्कल हैं, ये पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं तो ये ए है, देखो यहां पर ए है ना, ए यानी एज लेंथ, ठीक है। और रेडियस की बात करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक, और ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस है। दोबारा आपको ढंग से दिखाती और यहां से लेकर यहाँ की, आप इस डायग्राम को देख के आप साफ कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू क्या है 2R, क्या है ए इज इक्वल टू 2R, बात समझ में आई। क्योंकि देखो यहां से यहां तक पूरी लेंथ क्या है ए है, एज लेंथ है, और इधर से लेकर इस सेंटर से लेकर इधर तक R, और इस सेंटर से लेकर इसके इधर तक R यानी रेडियस है, पता ही है ना स्फेयर का रेडियस होता है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस होता है। तो देखो यहां पर क्या हो गया डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 2R, इस डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा है, डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा ए इज इक्वल टू 2R। तो हमें पहला एज लेंथ रिलेशन मिल गया है, क्या मिला ए इज इक्वल टू 2R। तो आप लिख सकते हो कि सिंपल यूनिट सेल का जो रिलेशन है एज लेंथ क्या है, एज लेंथ क्या है ए, और रेडियस क्या है R, तो ए इज इक्वल टू 2R, ये रिलेशन हमें मिल गया है। और कैसे मिला, सीधी सी बात है आप डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी क्या है ए है, एज लेंथ है। और अगर सर्किल में बात करूं या एटम्स में बात करूं, पता है एटम्स तो ऐसे ही दिख रहे होंगे, एटम्स तो ऐसे ही अरेंज होंगे, ये जो हम बात करते हैं पॉइंट्स की है तो इसके सेंटर होते हैं, तो जब हमने दोनों सर्किल को अरेंज किया है तो ये इसका रेडियस, ये दूसरे वाले सर्किल का रेडियस, ठीक है। तो ये दोनों जो रेडियस है ये क्या हो गया इक्वल है किसके, ए के, तो ए यानी आर प्लस आर, इधर से वापस देख लो ए इज इक्वल टू ये वाला आर प्लस ये वाला आर, तो ए इज इक्वल टू 2R। तो आई होप आपको समझ में आया हो रिलेशन कैसे निकल के आ रहा है ए इज इक्वल टू 2R। तो हमारा पहला रिलेशन निकल चुका है क्यूबिक यूनिट सेल के, सिंपल यूनिट सेल का, कि एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी एज लेंथ जो है रेडियस की दुगनी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो एज लेंथ जो होगी वो क्या होगी रेडियस की दुगनी होगी। तो आपको समझ में आ भी गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा आप रिवाइज करके देख लीजिए, और डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का निकालेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। सबसे पहले ऐसा ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो ही, और साथ में कहां पर हो फेसेस पर भी हो, कहां पर हो फेसेस पर भी हो, आई समझ में, कॉर्नर्स पर भी हो और फेसेस पर भी हो, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए निकालना है ए यानी एज लेंथ एंड आर का रिलेशन, इनका इनके बीच रिलेशन निकालना है। हम सिंपल यूनिट सेल में ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम मैं बना रही हूं, ताकि स्क्रीन पर भी आपको डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन चुका है। अब आपको बताया कि सारे कॉर्नर्स पर और सारे फेसेस पर होगा इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
लेकिन मैं एक बार वही चूज करूंगी जिससे कि मेरी कैलकुलेशन निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक तो ये कॉर्नर पकड़ लिया, एक ये कॉर्नर पकड़ लिया, और यहाँ पर मेरा फेस में मैंने रख दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप इस कैलकुलेशन को। मैं यहाँ पर एटम बिठा रही हूँ, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर एटम बिठा दिया, ऐसे ही एटम लगे हुए होते हैं, और एक मैंने एटम बिठा दिया यहाँ पर। आई बात समझ में? ऐसे एटम बैठे होंगे, मेरी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, बाकी रियलिटी में भी ऐसे ही बैठे होते हैं एटम्स, मतलब कॉर्नर्स पर भी होते हैं और फेसेस पर भी होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जहां से हमारी कैलकुलेशन इजीली निकल जाए। ठीक है, तो आप देखो ये एज लेंथ भी ए ही होती है, ये भी पूरी ए होगी, और देखो ये भी पूरी ए होगी, ठीक है, ये भी ए होगी ना एज लेंथ। ठीक है, मैं बात करूं किसकी, इसकी, ये भी क्या है ए होगी। ठीक है, अब आप देखो मैं इसको जोड़ दूं, मैंने जोड़ दिया, अब मैं एक बार इस पूरी, ये देखो पूरा ट्रायंगल बन गया, ये और ये ट्रायंगल बन गया। मैं एक बार इसको नाम दे देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो यहां तो मैं लिख देती हूँ ए, कैपिटल ए, इसे लिख देती हूँ कैपिटल बी, और इसे लिख देती हूँ कैपिटल सी। तो देखो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, मैं इसे अलग से निकाल के दिखा रही हूँ आपको, पहले मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले एक बार आप देखो कि ये पूरा ए, ए बी का एज लेंथ ए, बी सी का एज लेंथ ए, और ए सी की क्या होगी डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक तो ये आर हो गया, ये इधर से इधर तक आर, और इधर से इधर तक भी आर, यानी टोटल मिला के टू आर हो गई। इसका डायमीटर क्या हो गया, टू आर, और इधर से लेकर इसके सेंटर तक भी ये आर, मतलब टोटल ये कितने आर हो गए, फोर आर हो गए, कितने हो गए, चार आर हो गए। देख लो दोबारा, इस पॉइंट से लेकर इस सर्कल की रेडियस हो गई आर, फिर दूसरे वाले सर्कल की रेडियस, या मैं एक बार बोलू डायगोनल बोलू तो टू आर, और तीसरे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। इस पूरी लाइन का मान क्या आ रहा है, एसी का मान क्या पर क्या आ रहा है, एसी इज इक्वल टू फोर आर आ रहा है, एसी इज इक्वल टू फोर आर, ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए, और बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पर निकाल लू पूरे ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ए बी सी, इसकी लेंथ ए है पूरे की, इसकी लेंथ ए है पूरे की, और इसकी लेंथ है फोर आर। देखिए अब यहां पर लगाना है हमें पाइथागोरस प्रमेय, लगा सकते हैं, लगाएं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मैंने अलग से दिखा दिया आपको कि दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहां पर, फोर आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है दोबारा, ए स्क्वायर, क्योंकि सारी एज जो है ए ही है, ठीक है। और आपको पता है मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाया है यहां पर, कहीं दिमाग मत चला लेना, पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाया है क्योंकि क्यूब के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बात आई समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैलकुलेशन करते हैं, 16 आर स्क्वायर, फोर का जब मैंने होल क्यूब किया, होल स्क्वायर किया, तो इधर ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, तो इधर आया 2a स्क्वायर, इधर हुआ 16 आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकाल लेती हूँ रिलेशन 2 से, इसे काटा 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम दोनों में क्या लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, रूट कर देंगे दोनों साइड, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया, तो इधर क्या निकला a, ए स्क्वायर का रूट क्या होता है a, और अब देखो यहाँ पर r स्क्वायर का रूट तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और 8 का रूट क्या होता है 2√2। बात समझ में आई? ये हमारा निकल गया a और r में रिलेशन, इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो a इज इक्वल टू 2√2r। ठीक है, a इज इक्वल टू 2√2r। बात आई क्या समझ में, a इज इक्वल टू 2√2r, ठीक है, ये निकल जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं इधर लिख देती हूँ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2, ये भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो a इज इक्वल टू 2√2r। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में अच्छी तरीके से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड में, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। क्या करना है आपको, एक ये कॉर्नर पकड़ लिया और इसके जस्ट सामने वाला ये कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए अच्छे तरीके से बनाया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर बॉडी डायगोनल वाला। फिर क्या करना है आपको कि एक तो बीच वाला आपने ले लिया सर्किल, ये कौन सा है बॉडी के अंदर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये भी कॉर्नर वाला, और जस्ट इससे लगता हुआ दूसरा वाला और ये वाला। हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है ताकि जो हमारी कैलकुलेशन हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखो अब इसके अंदर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एफ ई डी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम अभी, एफ ई डी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एफ ई डी। हाँ एफ ई डी, या फिर एक काम करते हैं ई एफ डी वाला ट्रायंगल लेते हैं, ई एफ डी। तो देखो यहां पर देखना मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊंगी, ई एफ ये डी, ये बीच में मैंने एक और लाइन खींच दी डी इनको मिलाने के लिए, और इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया स्मॉल बी, क्या बोल दिया स्मॉल बी। मैं इसको अलग से बना देती हूँ, पाइथागोरस पर में लगाना है हमें। तो ये क्या हो गया एफ बी और ये ई। तो देखो ट्रायंगल हमने क्या बनाया ई एफ डी, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हम मैंने बोल दिया स्मॉल बी, ये ए है और ये भी ए है क्योंकि एज लेंथ है ना। तो देखो ये भी ए और ये, तो ये भी एज ही है तो ये भी ए। तो देखो ए ए और बी लगाए पाइथागोरस पर में, तो क्या होगा सबसे पहले ई एफ का स्क्वायर। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं पहले यहां से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या है इसकी ये पूरी जो आर है ना यहाँ पर देखिए, ये भी आर, ये भी आर, ये पूरा का पूरा टू आर, ये आर, ये भी आर, तो ये पूरी इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ई एफ सॉरी वापस से करते हैं, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर। ई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, इसकी ई एफ की स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, एफ डी की वैल्यू ए स्क्वायर। तो क्या आ गया रिलेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर और बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट करेंगे दोनों तरफ ए रूट टू। क्या आ गया बी की वैल्यू क्या आ गई ए रूट टू, ठीक है। बी की वैल्यू आप साइड में इधर लिख लो, बी की वैल्यू क्या आ गई ए रूट टू। अब देखो हम कैसे आर की वैल्यू और ए की ए में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ये आज तक अभी आप कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ई एफ डी ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल लिया है, ई एफ डी वाला मैंने अलग से बना भी दिया। ई एफ डी का ट्रायंगल आपको साथ में स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो देखो यहां पर ई डी स्क्वायर यानी ई डी पाइथागोरस पर मैं लगाया है, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ई डी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू आ गई ए रूट टू। तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ साइड में रख दी क्योंकि ये हमारे काम आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो मैं इसको रब करती हूँ और अब मैं लगाती हूँ दूसरे ट्राइंगल पर। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पहले लिख देती हूँ फिर आपको बताऊंगी। ट्राइंगल हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए एफ और डी। देखो कहां पर है ए एफ डी, ए एरा एफ एरा और डी एरा, देखो साफ दिख रहा होगा आपको ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये ए ए एफ और डी ये वाला ट्राइंगल। समझ में आ गई, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ, ए एफ और डी ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ट्राइंगल मैंने अलग से निकाल दिया है। ए एफ की वैल्यू मैंने बता दी स्मॉल सी, एडी की वैल्यू मैंने बता दी, यहां पर क्या है एडी की वैल्यू देखो ए, और एफ डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर एफ डी की देखो बी स्मॉल बी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ए और एफ की सी। अब देखो ए और एफ में कितने सर्कल बन रहे हैं, देखो एक तो इस पूरे सर्कल की रेडियस
सॉरी डायमीटर क्या हो गया 2R, डायमीटर 2R होता है, और इस यहाँ इस रेडियस की सेंटर से लेकर यहां तक R, इधर से लेकर सेंटर तक R, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए ये 4R, कितने हो गए 4R, ठीक है। यानी C की वैल्यू साइड में लिख दो क्या हो गई 4R के इक्वल, स्मॉल C की वैल्यू क्या हो गई 4R के इक्वल। वापिस देखना, ये यहाँ पर सर्किल से रेडियस की दूरी R, फिर यह पूरे सर्किल की रेडियस कितनी, सॉरी डायमीटर कितनी हो गई 2R, और इधर से लेकर इसकी रेडियस R, ध्यान से देखना, तो टोटल हो गया 4R। तो C इज इक्वल टू 4R है, स्मॉल C जो हमने माना है वो इज इक्वल टू 4R है। तो हम बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या F स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, ठीक है। AF की वैल्यू क्या है C स्क्वायर, AD की वैल्यू क्या है A स्क्वायर, DF की वैल्यू क्या है B स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, B की वैल्यू यहाँ पर हमने A में निकाली थी, क्योंकि हम सबको क्या करेंगे A में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि क्या इजी हो जाएगा हमारा काम। A तो है, B को भी हम A में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या है A रूट टू, तो रख दो वैल्यू A रूट टू का होल स्क्वायर। वापिस चले C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर, तो टोटल यहाँ पर C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3A स्क्वायर। अब हमें पता है C की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4R, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है R एंड C के, सॉरी R एंड A के बीच में निकालना है, ठीक है। तो C की वैल्यू हमने देख ली 4R, रख देते हैं 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। बात समझ में आई, यहाँ पर क्या होगा 4 चौकू 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। मिस्टेक हुई है, वापस देखें C स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर 3A स्क्वायर, क्यूब करेंगे दोनों साइड, इधर भी क्यूब करेंगे इधर भी क्यूब करेंगे, तो क्या आएगा C इज इक्वल टू रूट 3A, ठीक है रूट 3A। अब C की वैल्यू रखो आप 4R, और इधर हो गया रूट 3A, तो ये आ गया रिलेशन R और A में, आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू रूट 3/4A। आगे समझ में, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक था कैलकुलेशन में, अब आप देख लो एकदम सही हो गया है। क्या है R इज इक्वल टू रूट 3/4A, इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो A इज इक्वल, तो देखो बॉडी सेंटर्ड का तो रिलेशन लास्ट में निकल के आया A इज इक्वल टू 4/√3R, या फिर R इज इक्वल टू √3/4A, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा, सारा एक बार समराइज कर देती हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले यूनिट सेल, और यहां पर आएगा रिलेशन बिटवीन R एंड A। तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल का क्या रिलेशन था A इज इक्वल टू 2R, या फिर R इज इक्वल टू A बाय 2। मैं फटाफट आपको क्विकली रिवाइज करवा रही हूं। बात करी जाए फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड में क्या था वापस बताओ कि A इज इक्वल टू 2√2R एंड R इज इक्वल टू A बाय 2√2, समझ में आई। बॉडी सेंटर्ड में क्या था A इज इक्वल टू क्या था 4/√3R, यही था ठीक है। A इज इक्वल टू 4/√3R और R इज इक्वल टू √3/4A। तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, चाहे आप सिंपल यूनिट सेल में A इज इक्वल टू 2R करके याद रखो, चाहे फेस सेंटर्ड में A इज इक्वल टू 2√2R, और बॉडी सेंटर्ड में A इज इक्वल टू 4/√3R। जब हम आगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है काम में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, क्या होता है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आज आई हो। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
हूँ।